ये जो आप चीज देख रहे हो ये आज से नहीं है, आज से 200 साल पुरानी एक तुर्की रोटी है जिसे पाकिस्तान से लेकर हमारे भारत में छोले के साथ बड़े चाव से खाया जाता है। और इसे बनाने का तरीका भी बिल्कुल अनोखा है। वो कैसे? इसे बिना बेलन हाथों की ताली से मार मार के बिल्कुल गोल बना के छोले के ऊपर तड़का मार के खिलाते हैं और लोग इतने पागल है इसे खाने के लिए की धक्का मुक्की तक कर देते हैं। चलिए इन भैया से इस पूरी वीडियो में जानते हैं इसकी असल में इतिहास क्या था। किस चीज का बनता है? मैदे का है जी सर। अच्छा, इसमें किसी प्रकार का फर्मेंटेशन नहीं है। अच्छा जी, कोई केमिकल नहीं लगता है। पकवान है सर? पकवान है जी, बिल्कुल देसी खाना है। बिल्कुल सर, पूरा ट्रेडिशनल फूड। अच्छा जी, क्या बात। ये जो तालियां मार रहे हैं ये मतलब कला कहाँ से आई है? ये तो आदत पड़ चुकी है, बनाने का देखो प्रोसीजर भी ऐसा ही है। अच्छा। हाथ से बनाई हुई जो रोटी बनती है, पुरानी घर की माता है, पुरानी जो चूल्हे पर रोटी बनाती थी। अच्छा, तो बेलन से थोड़ी बेलते थे। अच्छा, हाथ से बनाते थे। हाथ से बनाते थे, तो इसमें खाने का भाव भी बड़ा था। अच्छा, क्या बात। रोटी बनाने का भाव। तो ये कितने पुरानी चीज है ये स्टॉल हमारी? हाँ, इसको तो 50 साल से ऊपर, लेकिन मैं 31 साल हो गए मेरे को। 31 साल आपको हो गए? पहले बाबूजी करते थे? मेरे जीजा जी। अच्छा, जीजा जी। क्या बात है भाई। ये तो इन्हें क्या कटलम में बोलते हैं? ये कटलम भाई, तो छोले कटलम दो। छोले कटलम, ये पश्तो लैंग्वेज में, जैसे हिंदुस्तान में हिंदी लैंग्वेज में पूरी बोलते हैं ना। हाँ हाँ, तो पश्तो एक लैंग्वेज है जो इस समय अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बॉर्डर मुल्तानी बोली जाती है। अच्छा, तो उसमें पूरी जैसे बोलते हैं तो उनके कदम में निकलते थे। अच्छा अच्छा, क्या बात है। ये देखिए भाई, बिल्कुल कला से, कलाकारी से यहाँ पे तल के। और सर विदाउट रिफाइंड? अच्छा, विदाउट रिफाइंड। तो ये अभी किस में सीखा जा रही है? सर पुना पुराना जो बनस्पति ऑयल। अच्छा, डालडा घी बोलते थे। हाँ 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 हाँ, क्या बात। आप सर्च मारो, आपको आर्टिकल मिल जाएगा। अब तो लोग पुरानी चीज़ों पर आ रहे हैं दोबारा, वापस पुरानी चीज़ों पर वापस आ रहे हैं, रिफाइंड रिफाइंड सब त्याग रहे हैं। ये देखिए भाई, यहाँ पे बिल्कुल करारा हो गया यहाँ पे हमारा कटलम भी। ऐसे ये चीज़ आई कहाँ से थी? मतलब ये आई कहाँ से सर? ये हिंदुस्तानी है। हिंदुस्तानी चीज़ है, पंजाबी डिश है। अच्छा, पंजाबी हमारा अखंड भारत था। अच्छा, अखंड भारत था ना, तो ये अफगानिस्तान पाकिस्तान जितना भी क्षेत्र है ये हमारे अखंड भारत का क्षेत्र, सिंध प्रांत। सिंध प्रांत, हाँ। तो ये बनवाल, पचनारी, सिंधी, ये उनकी डिश है। बाकी तो जब मुगल साम्राज्य आया तो कन्वर्ट कर दिया गया, तो अफगानिस्तान पाकिस्तान बन गया। अच्छा, सही बात है। ऐसा वो कितनी सभ्यता है, वो सब जंगल की तरह जानवर को मार खाने वाला सीन। हाँ 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 हाँ, इसका फूड खराब नहीं था, इसको स्टोर भी कर सकते हैं। कितने टाइम चल सकता है ये? ये खराब ही नहीं होता। खराब ही नहीं होता, कभी भी नहीं होगा। अरे वाह, गरम कर खा सकते हैं। अरे वाह, ये तो मतलब अपने आगरा दिल्ली में तो कहीं है ही नहीं, ये मिलता नहीं है कहीं, यहाँ बनता ही नहीं कैसे। क्या बात है, हमारे यहाँ वो पापड़ वाला टाइप दाल पकवान चलता है। आप देहरादून में ही बनता है कुछ? लॉजिक भी और साइंस के भी, पत्ते पे खाना कितना फायदेमंद है ये आपको बताने की जरूरत है ही नहीं, आप सर्च कर सकते हो। ये हो गए हमारे सूखे छोले। ये सूखे छोले हो गए, ये ग्रेवी वाले हो गए, ग्रेवी वाले हो गए, ये हो गए। और इस पे हमने दी है मसाले वाली मिर्च। मसाले वाली मिर्च, क्या हुआ। ये थोड़ा ओनियन, ये आ गया आपका पिकल, आ गया पिकल आ गया। और हम ये क्रश करते हैं वाली मिर्च। ये मिर्ची ये तली हुई होती है? यस, मतलब ऊपर से एक्स्ट्रा स्वाद देने के लिए। मसाला अपना, मसाला, क्या बात है, अपना क्या मसाला ही होता है। अच्छा, ये लेमन देखिए, वो आ गया, ज़्यादा चीने लगे। ओह, मज़ेदार बिल्कुल। अभी छोलों का पत्ता आपका बनकर तैयार हो गया। अच्छा, एक प्लेट में एक पूरा जाता है? यस, क्या बात है। कटलम्बे जो कि बहुत ही पुरानी डिश है, यहाँ पे छोले के साथ में आप देख सकते हो कितना बढ़िया यहाँ पे रोगन दे रहा है, प्लस यहाँ पे साथ में कटलम्बे दिए जो कि मैदा के हैं, वनस्पति हिमस से के हुए। जल्दी से आपको ट्राई करके बताता हूँ कैसे इसका टेस्ट है। और ये इनके छोले लपेटे, हमने छोले लपेटे, ऊपर से हमने प्याज रख दी थी। और भाई काफी मजेदार है कसम से, बिल्कुल ही अलग चीज है सिंधियों की। ये छोले कटलम में मजा आ गया। देहरादून आ रहे हो तो ऐसे खाना ना भूले। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो फॉलो करना ना भूले।